नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल डुग्गर के साथ। आइए बात करें जम्मू कश्मीर में फैले आतंकवाद की। जब देश में एक विधान एक संविधान नहीं था, यानी कि जम्मू कश्मीर 370 विशेष धारा थी, इसलिए यहाँ अपने कानून थे। तब यहाँ पर राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ होता था, PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता था। मगर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर सारा कानून भारत का लगा और तब PSA की जगह लग गया UPA। ये भारत देश का कानून है। बनी बात है, जब जम्मू कश्मीर भारत के कानून के साथ आ गया तो यहाँ पर भी UPA का कानून लगेगा। UPI में 2364 UPI में 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को बंदी बनाया गया था, 2664। इसमें अभी भी 1100 जेलों में है UPA के अंडर। और जहाँ तक PSA के तहत जो पहले 5 अगस्त से था, 954 पर PSA लगा था, उसमें 282 अभी भी जेलों में हैं। 5 अगस्त 2019 में UPA के कानून के तहत 918 को पकड़ा गया था। वर्ष 2020 में 557 मामले थे जिसमें 953 को UPA लगा था, और 2021 में जुलाई तक 275 मामले आए हैं, 493 अभी भी जेल में बंद है, जो प्रमाण करता है कि UPA जो कानून है वो सख्त है। आइए अब अगली हम खबर की बात करते हैं। अगली खबर वही है, पाकिस्तान लगातार नापाक साजिशें करता जा रहा है। आज शाम को भी साउथ कश्मीर में BSF की जो काफिला आ रहा था, श्रीनगर से जम्मू चला था, उसमें अनंतनाग बीट बिहाड़ा के पास आतंकवादियों ने हमला किया है। किसी भी सुरक्षाकर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सिर्फ यहीं बस नहीं, 15 अगस्त आने से और भी बहुत से स्थानों, कुलगाम के साथ वहां पर भी ऐसा हुआ है। वो स्थान है मालपोरा के पास। अब इसी को देखते हुए विलेज डिफेंस कमेटियों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि दूसरी तरफ से जिस तरीके से ड्रोन के हमले हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत कुछ करना है। आपको ये भी बताते चलें कि आज आपने हमारा एक स्पेशल इंटरव्यू देखा नारकोटिक विभाग के यहाँ प्रभारी SSP विनय शर्मा के साथ। उन्होंने बताया कि कितना मादक द्रव्यों की तस्करी पाकिस्तान के माध्यम से हो रही है, ये खबर आप देख चुके हैं। मगर आज भी वहाँ पर अनंतनाग के पास 580 किलोग्राम पॉपी स्ट्रा मिली है, मादक द्रव्य मिले हैं, जो बात प्रमाणित करती है कि अभी भी नारकोटिक आ रहा है। अब आज 12 अगस्त 13, 14, 15 अगस्त को जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस शाने शौकत से मनाया जाएगा और पूरी कड़ी चौकसी की गई है जम्मू में। ये आप देख भी सकते हैं कि जम्मू पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। मगर साथ ही साथ एक कठुआ में दुखदायी घटना कल रात को हुई है। एक कठुआ पुलिस लाइन में मोहम्मद यूसुफ, जो रियासी के रहने वाले थे, DPL में थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में, वहाँ पर दूसरे हेड कांस्टेबल इकबाल सिंह थे, दोनों ड्यूटी करके आए, आपस में कुछ तनातनी हो गई और इतना आक्रोश बढ़ गया कि इकबाल सिंह ने AK-47 से मोहम्मद यूनिस को मार डाला। SSP RC कोतवाल का कहना है अभी हम जांच करेंगे कि क्या हुआ है, मगर ये बहुत ही चिंता का विषय। अगर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस जो गुलदस्ता है या हर समुदाय के हैं, और हर समुदाय की, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, इनमें होता है, मगर ये जो घटना है ये बहुत कुछ संकेत करती है। मगर इस बात का हमें संतोष ज़रूर है कि राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह चप्पा चप्पा चीज़ को जानते हैं और पुलिस के हर तरीके की, चाहे सोशल वेलफेयर का काम हो, दूसरा जवानों की, पूरी तरीके से काम करते हैं। मगर ये घटना जो है अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत कुछ करना पड़ेगा ताकि इस तरीके की घटनाएँ ना हों, चूँकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक गुलदस्ते की तरीके से काम करती है। हरबंस नागो के जेल के मीडिया के साथ।